कहा था कि आऊंगा बनारस, दहाड़ूंगा बनारस में, और मोदी तेरा पीछा नहीं छोड़ू। अगर हमारे अंदर नेताओं का खून है तो कह दो बीजेपी से कि उनके सारे दावा झंडे का सवाल मिल जाएगा, चले तो जाओ आपके बंगाल में, मुंडन कर करके वापस आओगे। मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, अगर इनमें हिम्मत है तो दो पत्रकारों का नाम ले रहा हूँ, रवीश कुमार और संदीप चौधरी को एक घंटे का इंतजार दे दो, शमशान घाट चलने लगा आपके। ये जो बीजेपी के वे भक्त है ना, एक बवासीर की बीमारी होती है, दर्द तो बहुत करती है पर हंसता रहता ताकि दूसरे को। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा चंदा चोरों को भगा देना तभी अच्छा। मोदी करते हैं, मोदी चाय चाय करता है, बाबा गाय गाय करता है, और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बाय बाय करती है, योगी जी के मठ में बांट के छोड़ेगी ये जनता। चरण भाई चरण आ रहा हूँ, बीजेपी का खदेड़ा कर रहा हूँ, और आज सातवें चरण में बीजेपी का खदेड़ा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा पश्चिम में यूपी से हवा चली है, मोदी लहर की। जब पश्चिम से हवा चलती है तो खेत के खेत सुखा के चली जाती है। ये पश्चिम की वो हवा है, मोदी जी भूल जाओ। ममता बनर्जी आई है आज अखिलेश यादव जी की रैली में, क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर कोई फर्क पड़ेगा बनारस की जनता को? बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा। अच्छा। और ये वो दीदी है, ये वो दीदी है जिसे काले झंडे दिखाए गए हैं। अब काले झंडे का सवाल मिल जाएगा, चले तो जाओ आपके बंगाल में, मुंडन कर करके वापस आओगे, मुंडन। हम यूपी को बंगाल बनाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, यहाँ घंटा बजाने वाले नहीं बनेंगे। क्या योगी है? योगी नहीं है, योगी है। ढोंगी दावों का परिणाम क्या है? पिछले 8 साल से मोदी दावे कर रहा है, उसका कोई परिणाम नहीं। 5 साल से योगी दावे कर रहा है, उसका कोई परिणाम नहीं। बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन। देखिए बुल का मतलब क्या होता है ये जनता जानती है, पर उस बुल को योगी जी के मठ में बांट के छोड़ेगी ये जनता। अपनी रैली में आए थे हेलीकॉप्टर से बुलडोजर को देखकर कितना खुश हो गए थे। कैसे कैसे देख कर और बोले है कि मैं तो बुलडोजर वाली जो कंपनी है उनसे कहूंगा हर प्रदेश को एक बुलडोजर दे। उनसे कहो कि जब तुम्हारी रैली में जनता नहीं आती है तो अपने बुलडोजर ही खड़े कर लेते हो। मतलब हर एक जिले में बुलडोजर चौराहा बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ यही तो करेंगे। जनता कहती है रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, तो पापा करते हैं और मोदी करते हैं। मोदी चाय चाय करता है, पापा गाय गाय करता है, और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बाय बाय करती है। भाजपा सरकार जिंदाबाद। अब जनता कभी नहीं मांगे भाजपा सरकार, नहीं करेंगे। बीजेपी नहीं आएगी। मैं उस दलाल मीडिया की कोई बात नहीं करता जो दलाल होते हैं। और एक चीज बताऊं, यूपी के कोने कोने से संदेश आ रहे हैं और 10 मार्च को जो राम का सीता भैया कह रही है सीता भैया, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा चंदा चोरों को भगा देना तभी अच्छा राम राजा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपने मियो का खून है। अच्छा हमारे अंदर मियाओं का खून है। देखो इस इंसान के अंदर जो खड़े हैं ये हिंदू भी है, ये मुस्लिम भी है, ये सिख भी है, ये ईसाई भी है, पर तुम्हारी तरह दोगले नहीं है। लाली मेरे लाली चित देखूं तितलाल।
दीदी है और दीदी अपने भाई के पास तो आएगी। दीदी को दिखा दिए बनारस की जनता ने, बनारस की जनता ने काले झंडे दिखाए। डर के, डर के, डर के, बता रहा हूँ, इन्होंने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं, बीजेपी के लिए गड्ढे खोद गए हैं, ममता को काले झंडे दिखा के। बंगाल में चले जाओ आप, ऐसे ही रोएंगे ये, पहुंच जाओ बंगाल में। बंगाल की जनता अपनी दीदी का अपमान सहन नहीं करता। योगी जी तो वो संसद में भी हुआ था, चार बार भावुक हो गए, रोने लगा, भावुक हुए, रोने लगा। जब जब गिद्दड़ के दिन ओले आते हैं ना, तो वो ऐसे ही रोता है। कहना ये चाहते हैं कि बाबा जी आपका जाने का समय आ चुका है। जी तो लगातार कह रहे हैं अपनी बार 350 पार। सुनो, वो जो कह रहे कहने दो। 10 तारीख होगी, शाम का वक्त होगा और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय होगा और ये ताऊ अखिलेश के राज तिलक करता होगा। दस मार्च होगा और होली 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 मनाएंगे, पहले मना लेंगे, हम मना लो फिर तो मातम मनाएंगे। 10 मार्च को ये प्रदेश की जनता होली और दिवाली दोनों एक साथ आगे तो 5 किलो अनाज खा जाएंगे। क्या खाएंगे? देखिए ये 5 किलो अनाज खाएंगे, मोदी खाएंगे, इनका अधिकार है। मोदी और योगी कौन सा अपने पिताजी की संपत्ति बेचेंगे? नमक खा रहे हैं, नमक का कर्ज चुकाइए। बीजेपी से कह दो कि जनता अब नमक हरामी करके तुम्हारे से हलाली कराएगी। अगर हमारे अंदर मियाओं का खून है तो कह दो बीजेपी से कि उनके सारे दामाद मियां हैं। किसने कहा? मंत्री ने, उससे पूछो कि अंग्रेजों की औलाद तू हमें मियाओं की औलाद कहते हैं। जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं थे। लगातार यहाँ मोदी जी रैली करते हैं, माँ गंगा ने बुलाया। आज तक आठ साल हो गए मोदी जी यही कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया। उनसे पूछ लेना क्यों बुलाया है। वो तो बोले विकास की नदियाँ बहा दिए योगी जी ने, विकासों की नदियाँ बहा दिए। वो तो बोले क्या दिखाना बताओ, जिधर देखिए विकास दिखता बना रहा है। कहाँ दिखता मुझे बता दो, योगी जी बोल रहे मैं दिखा दूँ। मैंने कहा था कि आऊंगा बनारस, दहाड़ूंगा बनारस में और मोदी तेरा पीछा नहीं छोड़ दूँ। आलिया बनारस में रोजगार मिलेगा, महिला को सम्मान मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, उनके अधिकार मिलेंगे और क्या मिलेंगे, और बाबा के मठ में सांड जाएंगे। मोदी का बोला समाजवादी परिवारवाद है, और थारे में क्या है पता? राजनाथ, राजनाथ का लोंडा कौन है? जाता है जैसा क्या सपा सरकार आती है तो सारे यादवों को जॉब में मिलती है। मुलायम सिंह के लोंडे को मिली यादव, आप जाके देखो यादव बेल्ट में। मैं घूमा हूँ, सुबह 5 बजे से निकलते हैं और सब दौड़ लगाते हैं सड़कों पे, और जब वो तोड़ते हैं और जब नौकरियां निकलती है तो जो अच्छा लड़का है वो सिलेक्ट हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है पहले दो लड़के आए थे, अब आए हैं। अब ये तो घंटा बजाने की बात कर रहे हैं, घंटा बजाओगे तो रोजगार कर रहे घंटा बजाना विकास होता है। सारी भर्तियां कैंसिल, सारी भर्तियां कैंसिल, 70 लाख का वादा करता है बाबू। और 10 मार्च के बाद नौकरी मिलने वाली है। अभी का एक विधायक को मंच पे कान पकड़ के उठा के विधायक को नहीं देखा, एक विधायक मालिश कर रहे हैं, तेल मसाज हो रहा था। तो एक काम करे ना, उसको विधायक की जरूरत नहीं है, उसको एक तेल की शीशी और एक गोली दे दो। जनता की सेवा कर रहे हैं आप, सवाल खड़े कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। चुनाव आने 5 साल बाद कहाँ है? हाँ, अब तो जनता सेवा करेगी। लेकिन बीजेपी के कुछ भक्त है जो कहते थे कितने भी महंगाई होता है वोट तो बीजेपी को देंगे। तुम लड़की हो, पर एक बात कहूँगा जरूर आज आपके, ये जो बीजेपी के वे भक्त है ना, एक बवासीर की बीमारी होती है।
दर्द तो बहुत करती है पर हंसता रहता ताकि दूसरे को पता ना चले। भक्त है पेट्रोल की मार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार उनको भी है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल मुझे 100 के मिल रहा है और भक्त को 50 में मिल रहा है। 350 का सिलेंडर 1000 के करीब कैसे पहुंच गया? तो महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी। कहाँ धुएं से निजात दिला दी? सिलेंडर घर घर पहुंचा है। स्टूल बन गया जो गरीब स्टूल बने रखे घर में। मैं महिलाएं तो बेचारी फिर भी वो चूल्हा जला रही जब वो भरा नहीं सकते 1000 रुपए में। लेकिन महिलाओं को साइलेंट वोटर कहाँ जाता है? हाँ साइलेंट है। अब क्या मोदी देखो ये जो जनता है ना ये जब बटन दबाने जाती है तो इतने जोर से दबाती है कि दुश्मन का टेंटवा दबा देता हूँ। एसी से इलाज नहीं होता, डॉक्टर और दवाई से इलाज होता है। और योगी जी से पूछ लेना कोरोना काल में 800 रुपए का थर्मामीटर 1600 रुपए का क्यों खरीदा? योगी जी बोल रहे थे ना कोरोना काल में मैं घर घर जाता था लोगों से बात करने। किसके घर गया? अभी मिसाल दे रहे थे। किसके घर गया? गए थे किसी का नाम बता रहा था। मोदी जी ने तो तारीफ की है योगी जी की कितनी। अरे चोर चोर मोसेरे भाई, मोदी हो योगी हो अमित शाह हो अगर इनमें हिम्मत है तो दो पत्रकारों का नाम ले रहा हूँ रवीश कुमार और संदीप चौधरी को एक घंटे का इंतजार दे दो शमशान घाट चले जाएंगे। राष्ट्रवादी कहते हो है? मैं उन्हें बाजारू मीडिया कहता हूँ। बाजार में कोई भी पैसा फेंको खरीद लो तो मैं बाजारू मीडिया। अच्छा आप मीडिया के कह रहे हैं? हाँ खुला बाजारू मीडिया है, बिकाऊ मीडिया। ऐसा होता है ना जैसे कुत्ते का टुकड़ा फेंको कुत्ता आ जाता है।